देखा जा सकता है कितना बड़ा जीव है, देखा जा सकता है। अभी इसको मैं निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह बहुत ही तेज चलता है, देखा जा सकता है। इसको खींच पाना मुश्किल ही नहीं, दुर्लभ कार्य होगा, देखा जा सकता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत बताई जाती है, ऐसा बताया जाता है हमें, किस्सों में बताया गया है। जब रुका देखा जा सकता है। एक बार फिर बुलाया गया हमें एक आदरणीय जीव सेवक के द्वारा, हम यहाँ पर आ चुके हैं। यह नगला दयाराम पड़ता है शायद जिला एटा में। कहूँगा वह एक चर्चित गाना, जिंदगी इम्तिहान लेती है और दोस्तों की जान लेती है। मैं इन जंगली जीवों का दोस्त सुनी भारद्वाज, आज फिर आपको एक जंगली जीव जिसको के इस फेफड़ा नाम से जाना जाता है उसका सुरक्षित रेस्क्यू करके दिखाऊंगा और आप तक उसकी खूबसूरती पहुंचाऊंगा और कहूंगा सारे लोगों को मिलजुल कर जंगल की और जंगली जीवों की प्राण रक्षा करनी चाहिए। मैं निरंतर देखता रहता हूं गांव में, खास करके वह माहौल बना हुआ है क्योंकि समर लग चुकी है, तो लिया और बटन दबा दिया और जल कितना अपव्यय होता है कह पाना मुश्किल। भारत 21वीं सदी में आ चुका है, कहूँगा जल को बहुत ही समझदारी के साथ खर्च करें क्योंकि जल को कोई भी विज्ञान फिर बना नहीं सकता है। तो कहूँगा जल के साथ साथ हमें पेड़ों की भी सुरक्षा और रक्षा करनी है और प्रकृति की सुरक्षा और रक्षा करनी है, क्योंकि जब तक यह चीज़ जिंदी है जब तक हमारा जीवन है। चलिए चलकर देखते हैं उस जीव को जिसके लिए कि हमें यहाँ पर बुलाया गया, और जीप का रेस्क्यू करके फिर मिलाएंगे उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने हमें यहाँ तक बुलाया। आइए मुरली वाला बताते रहते हैं, वाला अपना बताते रहते हैं। व्यंजन बनाया जाता है इन उपलों कंडों से। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसके अंदर तमाम जीवों के रहने का स्थान बन चुका होगा, क्योंकि जो भी शरीर सर्पी जीव होता है वह बहुत ही ठंडे खून का जीव होता है, वह इस मौसम में जो सर्दी का मौसम होता है इसमें मर सकता है, यदि वह बाहर रह जाएगा तो यह शीत निंद्रा में चले जाते हैं। वही शीत निंद्रा में शायद यह विष केपड़ा बैठा हुआ होगा जिसको कि अभी हम सुरक्षित देखा जा सकता है, कितना बड़ा जीव है देखा जा सकता है। अभी इसको मैं निकालने की कोशिश करूँगा क्योंकि यह बहुत ही तेज चलता है, ऐसी भ्रांति फैलाई गई है इसके लिए कि इसके देखा जा सकता है। टॉर्च दिखाते रहे भाई, इसके अंदर देखा जा सकता है। इसको खींच पाना मुश्किल ही नहीं, दुर्लभ कार्य होगा क्योंकि यह बहुत ही देखा जा सकता है। इसको खींच पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा, देखा जा सकता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत बताई जाती है, ऐसा बताया जाता है हमें, किस्सों में बताया गया है, देखा जा सकता है कितना भारी भरकम जीव है। बहुत ही सरल और सीधी प्रजाति होती है यह, इसकी सिर्फ सुने और समझे। भारत के अंदर छिपकली की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें से एक यह गोह नाम से जानी जाती है। बहुत ही सीधी सरल होती है, यह काटने में कतई विश्वास नहीं रखती है और यह काट भी सकती है। कोई भी मेरा देखा दाखी इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश ना करे। इसके पंजे बहुत ही मोटे और बहुत ही ताकतवर होते हैं, मृत्यु के भय से लोग इसकी हत्या कर देते हैं। दूसरा एक और कारण सुनने में आया है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। अभी मेरा देश भारत 21वीं सदी में आ चुका है लेकिन फिर भी कुछ लोग इसकी हत्या करते हैं, इससे कुछ ऐसा पाने की कोशिश में जिससे कि वो एक रात ही रात में करोड़पति और अरबपति हो जाए। कहा जाता है कि इसके अंदर कोई ऐसा तेल निकलता है जिससे कि मनुष्य के शरीर में कहीं भी दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है। यह भी बिल्कुल भ्रांति है, कोई भी मनुष्य किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ सकता है या वैज्ञानिक किताबों में पढ़ सकता है कि इसके अंदर से कोई भी ऐसा तेल नहीं निकाला जा सकता है जिससे कि मनुष्य के किसी भी काम में आ सके। तो तमाम भ्रांतियों को दूर करना और तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए मनुष्य को सुरक्षित रखना और मनुष्य को सुरक्षित रखते हुए इन जीवों की भी प्राण रक्षा करना हमारा यही ध्येय और उद्देश्य। और इसी ध्येय और उद्देश्य के साथ हमें जिस भाई ने बुलाया था, जरा वो एक बार हमारे पास आए। यह भाई विवेक, कैसा लगता है कि तुम जीवों की प्राण रक्षा कराते हो? तो लगता है बहुत ही अच्छा लगता है। क्या संदेश देना चाहते हो समाज के लिए?
बोले करे कैमरे के सामने बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कहूँगा जिस तरीके से यह भाई हृदय में जीवों के लिए और हमारे पास यदा कदा फोन करता रहता है या जंगली जीवों के साथ साथ गौ माता की भी रक्षा करता है, कहूँगा यह भारतीय संस्कृति गंगा का वह मैदान जिसको के जाना और पहचाना जाता है। सारे विश्व भर में गौ माताओं के लिए बहुत ही मनुष्य को सम्मान रखना चाहिए और गौ माताओं की जिंदगी बचाने में हमारा पूर्ण सहयोग करना चाहिए। टीम हौसला कृष्णमयी मयूरी गौ सेवा का, अभी हम इसको सुरक्षित बंद करेंगे और फिर किसी दिन इसकी खूबसूरती आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देखा जा सकता है इसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, डिब्बा दे दिया जाए, डिब्बा दे रहे छोटा सा डिब्बा, अभी हम इसको सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ देंगे यहाँ पर कि इसकी जिंदगी बचाई जाएगी। कहूँगा कोई भी जब तक शरीर सरपी से खेलने की कोशिश ना करे जब तक कि उसको अनुभव ना हो, क्योंकि परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरली वाली जी का वह चर्चित वाक्य कि इनके काटने से कुछ नहीं होता है, बस इंसान की मृत्यु हो जाती है जब जब इंसान ना समझी से कार्य करता है। तो कहूँगा सेवा करनी चाहिए, जीवों की प्रारक्षा करनी चाहिए, लेकिन वह भी पूरे होश और हवास में और पूरी जानकारी के साथ। मिलते हैं फिर किसी आगे वीडियो में किसी एक अच्छे जीव सेवक के साथ, जब तक के लिए जय परोपकार, जय परोपकार। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस जीव गोह को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया था उसको हम उसके खुले माहौल में छोड़ने के लिए अभी आ चुके हैं जंगल में। तो कहूँगा कि इन्हें पकड़ना छोड़ना यह तो ज़्यादातर सारे जीव सेवक करते रहते हैं, लेकिन देखा जा सकता है कितनी तेज पकड़ होती है इसकी, देखा जा सकता है बाहर निकाली हमने ये। वह तो सारे लोग करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, मैं कहूँगा कि शायद ही कम लोग आप तक पहुँचा पाते होंगे। अपने परम आदरणीय उस्ताद मुरली वाला से जो भी मैंने कुछ सीखा है वह ब्रह्म को मिटाते हुए कोशिश है। गोह के अंदर कोई भी विष ग्रंथि नहीं पाई जाती है, हाँ लेकिन इसकी त्वचा में विष पाया जाता है। तो देखा जाता है यदि छिपकली कभी भी काट ले तो मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी, हाँ लेकिन यह किसी के भी खाने में गिर जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो इसकी त्वचा जहरीली होती है, न कि इसकी इसके मुंह के अंदर कोई भी विष पाया जाता है। भारत में लगभग 1300 तरह की प्रजातियां छिपकली की पाई जाती हैं, उसमें से कोई भी प्रजाति जहरीली नहीं होती है। हाँ विश्व भर में छिपकली की दो प्रजातियां ऐसी हैं जिनके अंदर के विष पाया जाता है। संख्या को संतुलित बनाता है, गोहरा न हो तो सांपों की संख्या बढ़ेगी, स्नेक बाइटिंग के केस बढ़ेंगे और मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा। देश में हर साल करीब 50,000 लोग सांप के काटने से मौत का शिकार होते हैं। अलवर जिले में हर साल सांप काटने की औसत 150 घटनाएं होती हैं। जहरीले सांप व गोहरा को रेस्क्यू करने वाले वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट विवेक जी का कहना है कि गोहरा के काटने से कभी भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर नाम मात्र के लिए भी विष नहीं पाया जाता है। कितनी गलत धारणा है मनुष्य की कि इसका काटा पानी भी नहीं मांगता, जबकि जाना जा सकता है कि इसके अंदर तो नाम मात्र के लिए भी विष नहीं पाया जाता है। तो कृपया इसको कभी भी मारे ना, इसकी प्राण रक्षा में सहयोग करें, क्योंकि इसकी प्राण रक्षा पर्यावरण की। मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आपको और अत्यधिक जानकारी देंगे जब भी कभी हम दूसरी गोह बड़ी छिपकली को पकड़ेंगे। मैं अपनी आज की सेवा को अपने परम आदरणीय उस्ताद श्री मुरली वाला हौसला जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए टीम हौसला कृष्णमयी मयूरी गौ सेवा के सभी साथियों को, सभी जीव सेवकों को, सभी प्रेमियों को हृदय से प्रणाम और नमन करते हुए आज की सेवा को उस्ताद श्री मुरली वाला जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय परोपकार, जय परोपकार। देखते हैं इसको जाते हुए, यह पूर्ण रूप से आज़ाद है। यह बहुत ही तेज चलने वाला जीव है, सांपों की ऐसी जगह पर रख दूंगा जहाँ पर के घास कूड़ा हो, जिससे कि इसकी ज़िंदगी सुरक्षित की जा सकती हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में इसकी मृत्यु हो सकती है। तो अब अभी हम इसको इधर एक कच्चे के पास
सुरक्षित छोड़ देंगे जहाँ पर ये कहीं भी चली जाएगी और किसी भी बिल के अंदर जाके बैठ जाएगी। Thank you.